सिद्धू मुझे वो वाले 2000 रुपए देना तो। कौन से वाले? अरे 10-12 टाइप के 2000 रुपए हमारे पास, क्या वही वाले जो तुमने बैंक से निकाले थे कल? डार्लिंग क्या है कि वो पता नहीं मैंने किस मुहूर्त में बैंक से निकलवाए थे कि मेरे हाथ से ही निकल गए। मतलब? नहीं मतलब क्या है कि मैंने वो राहुल का एक दोस्त है ना, तो मैंने उसको दे दिए। सिद्धू मुझे तुम्हारी यही आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सबको उधार देते फिरते हो। नहीं नहीं डार्लिंग, इस बार मैंने उधार नहीं दिए, मैंने मैंने दान दिए, दान फॉर अ गुड कॉज। फॉर अ गुड कॉज? अच्छा वो क्या है ना कि राहुल का जो दोस्त है ये, इसका क्या था कि कम उम्र में ना सारे के सारे दांत गिर गए इसके। हाँ तो राहुल जो है वो इसकी डेंटल सर्जरी फ्री कर रहा है और मैंने जो है मैंने इसका डेंचर स्पॉन्सर कर दिया। अरे वाह। अच्छा डेंचर दान महादान। अरे वाह सिद्धू तुमने बहुत अच्छा किया। चलो अब मुझे दूसरे 2000 रुपए दो बैंक से निकाल के। डार्लिंग महीने के एंड में कोई 10-12 टाइप के 2000 रुपए थोड़ी ना होते हैं बैंक में। सिद्धू तुमने डेंचर रिपेयर करने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन कार के डेंट के रिपेयर का क्या होगा? उसी के लिए मैंने पैसे बचा कर रखे थे। क्या है ना डार्लिंग कि देखो अगर कार का डेंट रिपेयर नहीं हुआ तो कार तो स्मूथ चलती रहेगी, लेकिन अगर बेचारे का डेंचर रिपेयर नहीं हुआ तो जिंदगी झटके खाती रहेगी उसकी। सोचो जब भी वो कभी पानी पूरी गोलगप्पे या भेलपूरी खाएगा तो हमें कितना याद करेगा। सोचो डार्लिंग सोचो। और तुम भी सोचो जरा सिद्धू कि जब हम अपने कार के डेंट को देखेंगे तब हम उसको कितना याद करेंगे। सोचो डार्लिंग सोचो। बेनजीर फिर से गर्भवती, हला विदेशी हाथ की आशंका है इसमें भी? ऐसे कैसे हो सकता है? ओहो अलग अलग न्यूज की हेडलाइंस मिक्स कर दी है इन लोगों ने। वैसे कमाल है हा? ये लोग न्यूज अलग अलग पेज में नहीं छाप सकते हैं क्या? मुंबई के रास्ते बिल क्लिंटन की क्लीन शेव जैसे साफ और मोनिका के चेहरे जैसे सुंदर हो जाएंगे। वेरी गुड। हाँ मुंबई के नए कमिश्नर ने दावा किया है कि एक साल के अंदर अंदर ही वो सारे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस का सफाया भगवान कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हाँ एक मिनट हाँ, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? अरे भाई जो काम एक बैल के साथ होता है उसमें 3-4-5-6 बैल बजाने की क्या जरूरत है? हाँ एक्सक्यूज मी, तुम ये सोफा फाड़ो, तुम ये कैबिनेट तोड़ो, बेडरूम का फॉल सीलिंग निकालो और ये सीलिंग फैन नीचे उतारो। कि म्युनिसिपल कमिश्नर इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, रास्ता साफ करने के साथ तो घर भी साफ करने लगा है। मैडम वी आर नॉट फ्रॉम म्युनिसिपल ऑफिस। तो फिर क्या आके लॉजी ऑफ इंडिया से आए हैं? जी नहीं, वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके हस्बैंड ने बहुत सारा काला धन घर के अंदर कहीं छुपा रखा है। क्या बात कर रहे हैं आप सिद्धू, और ब्लैक मनी? नो वे। देखिए ऑफिसर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे मेरे सिद्धू के पास ब्लैक मनी तो क्या आजकल व्हाइट मनी भी नहीं है। नाटक शुरू। ये हथकंडे में बहुत खूब अच्छी तरह जानता हूँ ना। परसों हम जब कुरला में एक आदमी के यहाँ रेड मारने गए तो पता उसका क्या हालत थी? कैसा था? एकदम फटे पुराने कपड़े भिखारियों की तरह है? लेकिन जब उसका फ्लैश टैंक तोड़ा गया तो करोड़ों रुपए निकले। ए! फ्लैश टैंक भी तोड़ना। देखे यू कांट डू दिस, प्लीज स्टॉप इट। वी कैन एंड वी विल, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है कि कल ही तुम्हारे पति ने जू वर्सोवा ब्रांच से अपने नंबर 2 के अकाउंट से 3.5 करोड़ रुपए निकाले और अपने घर के अंदर कहीं छुपा रखे। 3.5 करोड़ रुपए? Yes. आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे सुबह तो बेचारे सिद्धू के पास 3.5 करोड़ क्या 350 भी नहीं थे। बहुत भोली हो बेटी, लगता है किसी छोटे से गांव से आई हो। मैं किसी छोटे से गांव से नहीं, बहुत बड़े शहर से आई हूँ जिसका नाम दिल्ली है। दिल्ली? और दिल्ली का तो मैं भी हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर कानून। कानून? कालिदास नूर मोहम्मद नरूला। दिल्ली में आपका घर कहाँ है अंकल? क्या कहा तुमने? दिल्ली में आपका घर कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, आखिर में क्या कहा, आखिर में क्या कहा अंकल? एक बार फिर से कहो बेटी। अंकल ए तोड़फोड़ बंद करो रे, तोड़फोड़ बंद करो। तुमने मुझे अंकल कहा, मुझे कितना अच्छा लगा। वैसे कानून का ना तो कोई भाई होता ना बहन होती, ना भतीजा होता ना भतीजी होती, ना भांजा होता ना भांजी होती। मैं उस कानून की बात कर रहा हूं, लेकिन इस कानून की एक भतीजी थी बिल्कुल तुम्हारी तरह। यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है अंकल? नहीं नहीं, इस दुनिया में है, इस दुनिया में है। इंडिया में नहीं है, दुबई में है। और वहां टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम है, इसलिए ड्यूटी करनी पड़ती है, आना पड़ता है। तोड़ो रे तोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता तोड़ो, जरा प्यार से तोड़ो। कानून की भतीजी का घर है अंकल। आप भतीजी भी कह रहे हैं और अपनी भतीजी के घर में तोड़ फोड़ भी करवा रहे हैं?
क्या करूं बेटी, कानून सबके लिए बराबर है। मैं उस कानून की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये कानून तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कैसे? अगर तुम्हारा हस्बैंड अपना जुर्म कबूल कर ले और 3.5 करोड़ गवर्नमेंट को सरेंडर कर दे तो मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूँ। लेकिन अंकल, सरेंडर तो तब करेंगे ना जब सिद्धू के पास 3.5 करोड़ रुपए होंगे। अंकल, I know my सिद्धू very well, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाते हैं। अरे बेटी, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि तुम बहुत भोली हो। अरे जो आदमी अपनी इनकम छिपाकर काला धन जमा करके अपनी माँ को धोखा दे सकता है, मेरा मतलब भारत माँ को धोखा दे सकता है, तो अपनी बीवी को क्यों नहीं दे सकते? अंकल, एक कार्टूनिस्ट के पास भला इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं? अरे जब MF हुसैन के पास हो सकते हैं तो सिद्धार्थ मातोंडकर के पास क्यों नहीं हो सकते? मैं कल फिर आऊंगा, अगर तुमने अपने हस्बैंड को मेरी बात पर राजी कर लिया तो मैं उसकी सजा कम करवा दूंगा, वरना वरना बेटी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ? मैं इस कानून की नहीं तो उस कानून की बात कर रहा हूं। परसों अगर ये लॉटरी लग गई ना तो 3.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इसे छुपा देता हूँ इससे पहले कि सिमरन आए। सिद्धू, तुम मेरी कसम खा के कहो कि तुम जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। डार्लिंग, मैं तुम्हारी कसम क्यों खाऊं? तुम कोई गीता थोड़ी हो, तुम तो सिमरन हो ना। देखो सिद्धू, तुम बातें बनाने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम जूहू वर्सोवा बैंक गए थे ना? जूहू वर्सोवा बैंक? मैं वो, लगता है राहुल ने सब कुछ बता दिया है। तुम गए थे कि नहीं? नहीं नहीं डार्लिंग, मैं वहां पे नहीं, वहां से कोई आया था यहाँ पे। मतलब है कि इनकम टैक्स ऑफिसर सच कह रहा था, यानी कि वो 3.5 करोड़ वाली बात सच है। वो 3.5 करोड़ डार्लिंग, मैं ये बात तुम्हें बताने ही वाला था। क्या? 3.5 करोड़? सिमरन, सिमरन यार, अभी तो लॉटरी निकली भी नहीं और ये बेहोश हो गई। सिमरन बेबी, अब सिमरन उठो उठो। सिद्धू, हाँ सिद्धू, इतना बड़ा झूठ छुपाकर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं, क्या है कि स्वीटर्ट, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। वो क्या है ना, तुम अपसेट हो जाती हो ना इन बातों से, तुम्हें तो नफरत है। नफरत किसे नहीं होगी? अंकल सही कह रहे थे कि जो इंसान अपनी माँ को धोखा दे सकता है वो अपनी बीवी को भी धोखा दे सकता है। मानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये ना बताकर धोखा दिया, लेकिन इसमें माँ कहाँ से आ गई? और फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से इसमें गलत कुछ नहीं है। अरे राहुल ने भी तो, अरे एक मिनट, अगर राहुल कुएं में कूदेगा तो तुम कुएं में कूद जाओगे, और अगर राहुल गलती करेगा तो तुम भी गलती कर बैठोगे, और अगर राहुल किसी का खून करेगा तो तुम भी खून करोगे। हाँ यार, यार सिमरन तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट कर रही हूँ मैं? अरे सिद्धू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए। छी 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 छी, माय हस्बैंड। यार इसमें छी छी करने वाली कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें, तुमसे ये बात छुपाई है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर एक वचन दो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगे। हाँ ठीक है, नहीं होगा। और एक और वचन दो कि इस गलती की सजा के लिए मैं जो भी फैसला सुनाऊंगी उसमें एक अच्छे भारतीय की तरह तुम मेरा साथ दोगे। यार वैसे ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है सिमरन, लेकिन हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम कल शाम को जल्दी घर लौट आना। ओहो मैडम, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? अरे भाई मैं हूं ना, और मैं कोई छोटा मोटा पंडित नहीं हूं। मैंने स्विट्जरलैंड में संध्या करवाई है, होनुलुलु में हवन करवाया है। Don't underestimate me. मेरे पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी। मेरी सब साइट पर वाजपेयी भी विजिट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी विजिट करते हैं? नहीं नहीं, बिरजू वाजपेयी। पनवेल में पान की दुकान नहीं है, वहाँ काम करता है। लेकिन पंडित जी, इससे मेरी परेशानी तो दूर नहीं होगी ना? पता नहीं मैं सही कर रही है गलत। बिल्कुल सही कर रही है आप। अरे आप तो मिलेनियम सती सावित्री हैं, मिलेनियम सती सावित्री। वो सती सावित्री यमदूत से अपने पति को छुड़वा कर लाई थी, और तुम कलयुग के यमदूत, इनकम टैक्स ऑफिसरों से तुम्हारे पति को छुड़वा कर लाने वाली हो। लेकिन कहाँ छुड़वा के लाने वाली हूँ? घर पे, और कहाँ। ओ हाँ, लेकिन पंडित जी वो इंस्पेक्टर कानून कह रहे थे कि सजा होगी, और अगर सरेंडर करेंगे तो ही थोड़ी कम होगी। अरे यू डोंट वरी, ये लो www.murat.com पे हम कनेक्ट हो गए। अब यहाँ तुरंत पता चल जाएगा कि किस मुहूर्त में सरेंडर करने से कम सजा होगी। और मेरी एक लेटेस्ट साइट है www.homhavan.shanti.com, उस पे जाकर हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा हवन, कौन सी पूजा करने से तुम्हारे पति बिना सजा के छूट जाएंगे। थैंक यू पंडित जी। अरे थैंक यू मुझे नहीं, ऊपर वाले से कहिए।
ऊपर वाले इंटरनेट की ही सारी कृपा है। मिल गया सॉल्यूशन। सरेंडर करने का शुभ मुहूर्त रात को 8:35 है। रात को 8:35? यस करेक्ट। लाइए इस तोड़ का पैसा दो, फिर मैं दूसरी साइड खोलता हूँ। लेकिन पंडित जी मेरे पास तो 1 रुपया भी कैश नहीं है। क्या? अरे आपके पास 3.5 करोड़ है ना? अरे वो तो सिद्धू के पास है, और पता नहीं सिद्धू ने कहाँ छिपा कर रखे हैं। लेकिन पंडित जी आप ना ठीक 8:35 में आ जाइएगा। जब सिद्धू पैसे सरेंडर करेंगे तो उसमें से मैं आपको दे दूंगी। क्या जब और तब और कब? मैं ऐसे पायरेटेड पंगों में नहीं पड़ता। तुम एक काम करो, मेरी फीस के 501 रुपए इंटरनेट पंडित @homehavan.com पर भेज दो। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। हिंदुस्तान को तुम जैसी भतीजियों की सख्त जरूरत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सिद्धू को सजा तो नहीं होगी ना? 3 साल की जेल होगी। क्या? हो सकती थी लेकिन होगी नहीं। हाँ अगर तुम्हारा पति काला धन सरेंडर कर दे तो हो सकता शायद हम उसे अरेस्ट ना करें। अब जरूर करेंगे। मुझे अपने सिद्धू पर पूरा विश्वास है अंकल। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटी जी। तो आज शाम को ठीक 8:35 पर राइट? राइट अंकल। शुभ मुहूर्त आप संभाल लेंगे ना? डोंट वरी बेटी, इनकम टैक्स वाले डिफॉल्टर को ले जाएंगे। दरवाजा इधर है। ये क्या आज करवा चौथ है क्या? नहीं करवा चौथ नहीं है, कसौटी चौथ है। ये कौन सा नया व्रत है क्या? हाँ ये व्रत हर उस औरत को रखना पड़ता है जिसका पति गलत काम करता हो। तुम फिर वही बात लेकर बैठी। मैंने कौन सा गलत काम कर डाला है? एक मिनट सिद्धू, ये बात ना तुम कानून को समझाना। कानून? ठीक वक्त पर आया ना बेटी। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं आप अंकल। अंकल ये है मेरे हस्बैंड सिद्धू, और ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कालिदास नूर मोहम्मद नरूला, इन शॉर्ट कानून। इन्हें वो 3.5 करोड़ रुपयों के बारे में पता चल गया। तो तुम्हारे पास इलीगल 3.5 करोड़ रुपए और तुम कह रहे हो तो? किसने कहा इलीगल है भैया? लॉटरी तो स्टेट में लीगल है ना। लॉटरी तो तुम्हारे लिए होगी मिस्टर, गवर्नमेंट के लिए तो वो काला धन है। कहा है वो काला धन? अरे सर अभी धन मिला कहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा पति इंटरनेशनल खिलाड़ी नंबर 1 है, कानून को गुमराह कर रहा है। सिद्धू देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ सहयोग करोगे, वो तुम 3.5 करोड़ रुपए अभी के अभी सरेंडर करो। कहाँ छुपा के रखे तुमने? अंदर कवर्ड में है, और एक नहीं 4.5 करोड़ रुपए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। गॉड, एक नहीं 4.5 करोड़, यानी कि 14 करोड़। मैंने क्या कहा था बेटी? अंकल आपने यही कहा था, वाकई में मेरे पति इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। नंबर 1। कहाँ है वो 4.5 करोड़? मेरी जेब में, ये देखिए। ये तो लॉटरी टिकट्स। यस 3.5 करोड़ के 4-4। तुम कानून की नजर में धूल नहीं झोंक सकते। सर अगर मैं झोंकना भी चाहूं तो भी नहीं झोंक सकता, क्योंकि आपने तो चश्मा पहन रखा है। देखो मैं इस कानून की बात नहीं कर रहा हूं, उस कानून की बात कर रहा हूं। बोलो कहां छुपाया काला धन? अरे कौन सा काला धन सर? देखो अनजान बनने की कोशिश मत करो मिस्टर, तुम्हारी बीवी ने इस कानून को सब कुछ बता दिया है। स्वीट हार्ट तुमने जो इनको बताया है वो प्लीज मुझे भी बता दो। सिद्धू मैंने इन्हें वही बात बताई है जो तुमने मेरे सामने कबूल की थी। तुमने जुहू वसुवा बैंक से 3.5 करोड़ रुपए उठाए हैं और ये बात तुमने मुझसे छिपाई। मैंने कब कबूल किया था यार? मैंने तुमसे सिर्फ 3.5 करोड़ की लॉटरी वाली बात छिपाई थी जो मैंने राहुल के दोस्त से खरीदी थी। यानी कि तुम अब तक लॉटरी की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या स्वीट हार्ट। तो इसमें छिपाने वाली बात कौन सी थी? छिपाने वाली बात ये थी कि तुम्हें लॉटरी से सख्त नफरत है। अरे मैंने बेकार में राहुल के चक्कर में आकर ये लॉटरी टिकट खरीद लिए, फंस गया मैं राहुल के चक्कर में। और मैं अब तक समझती रही कि तुम सिद्धू, आई एम रियली सॉरी। कहानी में ट्विस्ट, वाह क्या ड्रामा है, क्या नाटक है। बेटी मैं तो तुम्हें अपनी भतीजी की तरह भोली भाली समझता था। अरे नहीं अंकल वो मुझे अंकल मत कहो बेटी, आई मीन मिसेस मातोंडकर, मुझे अंकल मत कहो। तुमने उस कानून का कायदा तोड़ा है और इस कानून का विश्वास
और दोनों को गुमराह करके दोनों कानूनों का उड़ाया है मजाक। तुम्हारे पति को सीधा साधा समझकर सोचा था मैंने कर देगा वो सरेंडर, लेकिन अब तुम दोनों को लेके जाना पड़ेगा अंदर। चलो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। हमने कुछ नहीं तोड़ा है मिस्टर कानून। देखिए जो कुछ भी आपको कहना है उस कानून के सामने कहना। अच्छा मुझे एक राहुल को फोन तो कर लेने दीजिए। जो कुछ भी करना है कचहरी चल के करना। ये भी वो भी जो भी। आइए मेरे पास चलिए। अरे पता है राहुल, सिद्धू क्या समझता रहा कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया है। मैंने और सिमरन ये समझती रही कि मैंने 3.5 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी इससे छिपा के रखी है। भाई ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिलेनियम हो गया। चलो माना तुम दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम्हारे घर में काला पैसा है? ये आपको कानून बताएगा। अरे कानून अंकल आप। नहीं मुझे अंकल मत कहो बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अंकल कहलाने लायक नहीं। पहली बार कानून शर्मिंदा हुआ है। हाँ तो ठीक है शर्मिंदा अंकल। कानून अंकल आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे? हमारे एक खबरी की वजह से। खबरी? हाँ खबरी। वो हुआ यूं कि पिछले कुछ महीनों से सिद्धार्थ मातोंडकर नाम का एक आदमी अपना एड्रेस बदल बदल कर हमारे डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो हमारे खबरी ने बताया कि वो सिद्धार्थ मातोंडकर ये ही है। चलो सुन के अच्छा लगा कि सिद्धार्थ मातोंडकर नाम का कोई अमीर आदमी भी है। और चीटर भी। लेकिन ये आपका खबरी है कौन? हाँ बताइए जरा, मैं उसकी ऐसी पिटाई करूंगा कि आज के बाद वो खबरी की जगह बेखबरी हो जाएगा। बेचारा वो भी बहुत शर्मिंदा है, बाहर खड़ा है मेरी तरह बहुत शर्मिंदा। हम भी तो खबर ले उसकी। जोर से नहीं तो भाग जाएगा। एक मिनट पकड़िए, सुनिए, आ जाइए, घबराइए मत। ये मेरी भतीजी का घर है। आजा। ये? अबे ब्रूटस तू! हुआ क्या? तू ये काम भी करता? ऊपर खर्चे पानी के लिए। ठहर, मैं तुझे खर्चा पानी देता हूँ। आप जरा इसे पकड़िए। अरे, मैं तुझे यहाँ पे तेरा टारगेट पूरा करवाने के लिए लाया, और तूने मेरे भाई को टारगेट बना दिया। अब बता, उसी भगवान के नाम पे माफ कर दे बाबा। अच्छा ठीक है, उसी भगवान के नाम पर तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या बाबा? वो शर्त ये है कि मुझे मालूम है कि तूने लॉटरी के धंधे में बहुत माल कमाया है, और ज्यादातर माल तूने इनकम टैक्स को डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा क्या? ऐसा क्या? कल से तेरे घर में भी तोड़फोड़ शुरू? कानून की नजर में सब बराबर है। मैं दोनों कानून की बात कर रहा हूँ। हाँ, और इसका कमीशन तो मुझे और सिद्धार्थ को मिलेगा। कायको दोनों को मिलेगा, कायको मेरी भतीजी सिमरन को नहीं। इसने कमीशन के नाम पे लॉटरी का टिकट ले ले बाबा, अब 500 रुपए में 3.5 करोड़ कमा ले बाबा। अरे चुप कर बाबा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.